प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि 400 पार करने वाली एनडीए सरकार बन रही है, रामलला सब पर भारी हैं और काशी मथुरा की बारी है। हमने काम किया है, लोकतंत्र में जनता ही जज होती है। मोदी की जो गारंटी है वह जनता के दरवाजे पर पहुंची है, वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, इसलिए जनता ने विश्वास जताया है। क्योंकि 39 पार्टियों ने मोदी पर विश्वास जताया है, इसलिए हमने तय किया है कि मोदी को फिर से लाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर फैक्टर चुनाव में काम करेगा, क्योंकि वर्षों से इसकी मांग थी जिसे हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, अभी बैठक करके तय किया जाएगा, हम हारी हुई सीटों को भी जीत में बदलेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की कार्यशैली को योगी धरातल पर लाते हैं, इसलिए विपक्ष की जो नीति है उस पर रहें। 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आई थी, एक बार फिर आई है, इस बार पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, 400 पार एनडीए सरकार कोई हाजरी नहीं, रामलला सब पर भारी हैं और काशी मथुरा श्रृंगेरपुर की भारी हैं और काम किया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती जज होती है, लोकतंत्र में जनता के लिए सरकार होती है उनके द्वारा, तो जनता के लिए विकास मोदी जी की जो गारंटी है वो दरवाजे पहुंचा जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, इसकी वजह से करके जब दिखा दिया इसलिए जनता ने विश्वास जताया और आगे भी विश्वास जताएगी और जो भी हम देखिएगा जो मोदी जी कहें वो पूरा करेंगे हम लोग और पूरा जीत होगी, क्योंकि 39 पार्टियों ने विश्वास जताया है मोदी पर और फिर भरोसा होगा 2024 में हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी को फिर से लाना है और भारत को फिर विश्वगुरु बनाना, अर्थव्यवस्था को आगे है और लाना है तीसरे नंबर पर लाना और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना। क्या लग रहा है राम मंदिर फैक्टर काम करेगा इस वाले में? राम मंदिर का एक वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि लंबे समय से लोग जो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे थे, जनता का आस्था था, अगर वो आस्था का केंद्र रहा और उसको हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बनाकर दिखा दिया कि लोग विरोधी ही कहते हैं कि यही नारा लगाते हैं भाजपा के लोग, रामलला आएंगे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बताया, दर्शन भी किया, बनाकर भी दिखाया और प्राण प्रतिष्ठा करके उन लोगों को सौंप कर भी दिखाया, तो इसलिए इससे लगता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी, इसलिए लोग मोदी के साथ हैं। कितनी सीटें निषाद पार्टी को मिली, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितनी उम्मीद की थी आपने? अरे निश्चित रूप से अभी सहयोगी दल हैं, अभी भाजपा और अपना दल और RLD का है, वो बैठक बुलाते हैं माननीय गृह मंत्री जी और निश्चित रूप से हमारी संख्या 11 सीटें हैं, 11 विधायक हैं, जिस तरीके से अन्य दलों को विधायक के अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी तो 2022 में इस तरीके सम्मान दिया उस तरीके देंगे। सीटों का कोई झगड़ा नहीं होता और आसाम से हम लोग काम करते हैं, सीट नहीं हम लोग जीत में बदलते हैं, हम तो बता रखे हैं कि हारी सीटें हमें देते हैं उसको भी हम जीत में बदलेंगे, चूँकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मिलकर जब हम लोग काम करते हैं तो उसको जीत में हारी हुई सीट को जीत में बदल कर दिखाया था। पिछले बार 11 सीटों को 9 सीटें हमने जीत कर दिखाया था, इस बार भी लोकसभा में आप देखें हम लोग जीतेंगे सब। अच्छा, पिछली बार की बात करें तो एक चौंकाने वाली जो रणनीति है भाजपा की उससे विपक्षी दलों को भी चौंकाया, चूँकि कई लोगों का टिकट कटा था। इस बार पहली सूची में बात करें तो काफ़ी जो पुराने जीते हुए लोग थे उन पर विश्वास जताया है बीजेपी ने, लेकिन कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में फिर से एक बार बड़ी संख्या में चौंका सकती, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं देखिए, जो कयास लगाना मीडिया और जनता का काम है, लेकिन कयास पर विराम लगाना हमारे मोदी जी योगी जी का काम है, तो वो ऐसा नहीं है। जिस पर भी जनता ने विश्वास जताया है उस पर मोदी जी ने भी विश्वास जताया और निश्चित रूप से मोदी जी, क्योंकि देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है उसके जो नीतियाँ हैं उसे माननीय योगी जी धरातल पर लाए, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग जिस तरीके से सीट का उन्होंने आपने देखा होगा घोषणा की है और बिना किसी के, आपने देखा होगा विपक्षी कहते थे कि आधे ज़्यादा टिकट काट दिए जाएंगे लेकिन कहीं नहीं है, उसी तरह का हुआ, विपक्षी कहते 2014 में इतना जीते, 2017 2019 2022 वही से उल्टा हुआ, आज के दिन में मोदी जी ने सब पर विश्वास दिलाया था, आगे भी जताएंगे। विपक्षी पार्टी है उसे क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्षी उसे कहेंगे कि जो पार्टी की उनकी नीत और सोच है उस पर रहें, बल्कि इधर उधर न रहें, जी कांग्रेस की सोच अलग थी, सपा की सोच अलग थी और दोनों एक विरोधी हुए हैं, इसी तरीके से है कि 2017 में सपा और कांग्रेस साथ आई थी तो कांग्रेस साफ हो गई, सपा हाफ हो गई और इस बार फिर मिले हुए हैं, बचा कुचा साफ हो जाएंगे, तो इस तरीके से वो
कम से कम जिस विचारधारा के लिए पार्टी बनी उस पर काम करें, बल्कि विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर समाज के साथ इस तरीके के धोखा दें।